हेलो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे चिली पटेटो। तो हम दोनों बहन भाई मिल के बनाएंगे। तो अबू बकर आपको बताएगा क्या 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 स्किन है इंग्रीडियंट है। अबू बकर बताओ। बॉइल पटेटो सबसे पहले हम डालेंगे, बॉइल पटेटो, सूखा धनिया और कुटी लाल मिर्च और कॉर्नफ्लोर और नमक और कुछ वेजेस। हम लोग इन तीनों मसालों को इसके अंदर ऐड करेंगे। अबू बकर सबसे पहले कॉर्नफ्लोर दो। अब इस कॉर्नफ्लोर को ऐड कर देंगे सारा मतलब एक कप। अब अगर सूखा धनिया दो, सारा ऐड कर देंगे मतलब एक चम्मच। अब गाइस हम लोग दो चुटकी नमक डाल देंगे, एक बोलिए दो। चले अब इसे मिक्स करते हैं। गाइस अब आप एक वूब लें और उसके अंदर ऑयल डालें। हमने तो ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। अब जो हम लोगों ने फ्राइज में ये मसाले मिक्स किए थे अब डाल देंगे इसके अंदर, लेकिन बड़े ध्यान से, चीन भी बहुत जोर जोर से होती है। जब हम लोगों ने देख सकते हैं, हम लोगों ने ना फ्राइज को फ्राई में रख दिया। देखिए ये कुछ फ्राइज हैं एकदम। गाइस हम लोगों ने फ्राइज बना लिया। अब हम लोग आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं क्या हम क्या क्या है। चलो तेल अब दोबारा डाला उसके अंदर। अब फ्राइज इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद वेजिटेबल्स डालेंगे। अब गाइस हम लोग ऑयल के अंदर चॉप गार्लिक डालने लगे हैं और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें, और गाइस अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे जो हमने कट की थी। शिमला मिर्च और प्याज अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छी तरह सोते कर लेंगे। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे मतलब विनेगर। सोया सॉस, चिली सॉस। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वाह कितना अमेजिंग लग रहा है। ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, वरना अगर आपके पास टमाटो सॉस भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। ये हमें क्या चेक कम लगी थी तो हम लोगों ने पानी डाल दिया थोड़ा सा। वाओ दैट स्मेल इज अमेजिंग। थोड़ा सा और पानी ऐड किया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब गाइस हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक मतलब सॉल्ट। अब हम लोगों ने जो फ्राई पोटैटोस जो फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप देख सकते हैं कुछ कितना मज़ेदार लग रहा है। हमारे चिली पटेटो तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग इनको टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। चले जैसे बाय फटाफट लेके जाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा इसका टेस्ट है। जब हम लोग टेस्ट करके बताते हैं